क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट हर सिलेबस आर टीचर ऑलवेज एक्सपेक्ट आंसर्स फ्रॉम अ प्रेफर्ड ग्रुप ऑफ लर्नर्स, द टीचर्स एक्शन इज, यानी जो टीचर हैं वो अपने सिलेबस को खत्म करने की जल्दी में है ना, या फिर उनको सिलेबस खत्म करना है, इसलिए जो फोकस रहता है टीचर का वो रहता है एक प्रेफर्ड ग्रुप ऑफ लर्नर्स से, यानी प्रेफर्ड ग्रुप क्या होगा, जो जल्दी आंसर दे देता होगा, जो ज्यादा अच्छे होंगे पढ़ने में, तो फटाफट से वो एक्सपेक्ट करती हैं कि अच्छा उनका आंसर आ गया, कोई क्वेश्चन पूछा और वो आगे बढ़ जाती हैं, क्योंकि उनको सिलेबस खत्म करने की जल्दी है, जैसा बहुत सारे स्कूल्स में देखने को भी मिलता है। अब इससे होगा क्या, ये जो टीचर का एक्शन है कि सिलेबस जल्दी खत्म करना है, इसलिए सभी बच्चों पे ध्यान ही नहीं दे रहे आप, है ना, तो ये एक प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक है, बात फर्स्ट ऑप्शन है, एक्शन इज जस्ट जस्टिफाइड फॉर कंप्लीटिंग द सिलेबस, जस्टिफाइड है क्योंकि सिलेबस तो भाई कंप्लीट करना है, सही इशू है, तो ये जस्टिफाइड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका जो उद्देश्य है एज अ टीचर वो सिलेबस कंप्लीट करने से ज्यादा, समझ में आया कि नहीं आया, आज सीटेट की क्लास थी, मैं शाम को डिस्कशन कर रही थी, मैं हर दिन लेसन प्लानिंग उसी हिसाब से होती है कि एक क्लास में इतना काम हो जाएगा, तो आज मैंने जितना जो पीपीटी तैयार की थी जिस तरह की, उतना उसका शायद आधा ही हो पाया, क्योंकि हमारी स्पीड थोड़ी कम हो गई और डिटेल में चले गए, तो ये क्या हुआ, सिलेबस कंप्लीट करना थोड़े ना उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है कि सबको समझ में आए, सबकी क्वेरीज फुलफिल हो, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसको आप डिटेल में समझा पाए, ठीक, हालांकि प्रेशर होता है टीचर्स पे, बट स्टिल हमारी प्रायोरिटी सिलेबस खत्म करने से ज्यादा क्या है, किस चीज पे होनी चाहिए, कि हम हर एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी दे पाए। इज शोइंग दैट द टीचर हैज गुड स्किल्स टू आइडेंटिफाई बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ हर क्लास, देखो टीचर का काम सिर्फ बेस्ट स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई करने का थोड़ी है, सिर्फ टॉपर्स को केटर करने का थोड़ी है, सिर्फ टॉपर्स को फैसिलिटेट करने का थोड़ी है, हर तरह के बच्चे को, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हर तरह के बच्चे की नीड फुलफिल हो पाए, एक धीमी गति से सीखने वाला बच्चा भी सीख पाए, एक तेज गति से सीखने वाला बच्चा भी बोर ना हो पाए, उसको भी अच्छी लगे क्लास। फिर है सी ऑप्शन, इज डेप्राइविंग अदर स्टूडेंट्स ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, जो कि 62% लोग आंसर सही दे रहे हैं पोल में, कि इस एक्शन से क्या होगा टीचर के, बच्चों को वो वंचित कर रही हैं के सभी बच्चों को समान अवसर मिल पाए, इस चीज से वंचित कर दे रहे हैं, उनके जो एक्शन है ये कि बस सिलेबस खत्म हो जाए इसलिए कुछ बच्चों से आंसर पूछ लो और आगे बढ़ जाओ, इस एक्शन से क्या हो रहा है, विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करा रही हैं वो, मतलब हर एक बच्चे को, अगर 30 बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं तो सबका अधिकार है कि उनको भी बराबर का मौका मिले अपनी बात कहने का, एक क्वेश्चन पे नहीं तो दूसरे पे मिले, है ना, तो इस इक्वल अपॉर्चुनिटी से वो वंचित करा रही है, इवन हमारा तो संविधान भी कह रहा है ये। डी ऑप्शन है, वुड बी इफेक्टिव इन एंश्योरिंग इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ये एंश्योर कहाँ कर पा रही है, इससे कहाँ सबको मौका मिल पा रहा है, ये तो जस्ट ऑपोजिट हो गया उनके एक्शन का, तो डी की जगह सी ही सही है, ठीक, क्योंकि एज अ टीचर आपको हर बच्चे को इंक्लूड करना है, हर बच्चे की नीड्स को केटर करना है, उसके हिसाब से अपनी स्पीड को, अपने टॉपिक्स को, अपने मेथड को सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर टू है, टू सपोर्ट इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट हैविंग डिसकैलकुलिया, एक बच्चा है जिसको डिसकैलकुलिया है, डिसकैलकुलिया में क्या होता है, गणन संबंधी विकार है, यानी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी, है ना, जैसे मल्टीप्लिकेशन हुआ, एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, ऐसे बेसिक कैलकुलेशन जो गणित के हैं, बेसिक गणना में दिक्कत होगी उसको, तो डिसकैलकुलिया वाले बच्चे के लिए क्या कैसा सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, कि आप चाहते हैं इस बच्चे को भी इंक्लूड किया जाए, तो किस तरह का सपोर्ट इंपॉर्टेंट होगा ये बताइएगा फटाफट से, जल्दी बताइए। पहला ऑप्शन है, सेट स्ट्रिक्ट टाइम कंस्ट्रेंट्स टू फिनिश टास्क, यानी टाइम कंस्ट्रेंट सेट कर दो, भाई वो बच्चा जिसको पहले ही कैलकुलेशन में दिक्कत होती है उसके लिए टाइम लिमिट और तय कर दो, तो वो और डर जाएगा, तो ठीक से नहीं कर पाएगा कैलकुलेशन, तो ये तो सही तरीका नहीं हुआ। प्रोवाइड विजुअल कैलकुलेटर्स एंड मैथ एप्स टू स्टूडेंट्स, यानी विजुअल कैलकुलेटर्स जिनको देख करके वो कैलकुलेटर्स यूज हों और उनका जो ध्यान है वो थोड़ा पिक्चर्स की तरफ भी जा पाए, और दूसरा क्या हो, मैथ्स ऐप, आजकल बहुत सारी ऐप्स हैं जिनमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप कैलकुलेशन सीख सकते हो, उस तरह के ऐप प्रोवाइड हो जाएं, बिल्कुल ठीक बात है, गलत बात तो नहीं है, फिर भी पढ़ेंगे। इंक्लूड एडिशनल कंटेंट टू ओवरशैडो रेलेवेंट इन टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, यानी एडिशनल कॉन्टेंट और कॉन्टेंट भर लो जिससे कि जो रेलिवेंट है, जो अतिरिक्त है, उस पर ध्यान ना जाए, कोई सेंस ही नहीं है इस बात का कि आप सिलेबस बढ़ा दो इसलिए। डी ऑप्शन है, यूज ओनली स्टैंडर्डाइज्ड वेज फॉर असेसिंग स्टूडेंट्स लर्निंग, यानी सिर्फ मानकीकृत तरीकों का ही इस्तेमाल करो, तो मानकीकृत तरीके जो हैं, स्टैंडर्डाइज तरीके जो हैं, वो बड़ी पॉपुलेशन के लिए बनाए जाते हैं, कि मान लीजिए 10 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं तो सभी को भाई बोर्ड का एग्जाम देना है, तो मतलब
वो फॉर ऑल है, वो इंडिविजुअल की नीड्स का ध्यान नहीं रख पाते, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में ठीक से नहीं रख पाते, तो ये तो नहीं होगा उत्तर। एक ही बात यहाँ ठीक है, प्रोवाइड विजुअल कैलकुलेटर्स एंड मैथ एप्स टू स्टूडेंट्स, जो कि 76% लोग आंसर सही दे रहे हैं, कि ऐसे बच्चों को जिनको डिसकैलकुलिया है उनको गणित संबंधी प्रयोजन, मतलब ये जो एप्स हैं या फिर विजुअल सामग्री जिसको देख करके उनका दिमाग ठीक से पिक्चराइजेशन बने और वो कैलकुलेशन ठीक कर पाए, है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर अ स्टूडेंट विद विजुअल इंपेयरमेंट, यानी कौन सा एक मटेरियल बच्चे के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा जिसको देखने में समस्या है, जो दृष्टि बाधित है उस बच्चे के लिए कौन सा एक मटेरियल बेहतर नहीं होगा या हेल्पफुल नहीं होगा या बेनिफिशियल नहीं होगा, फटाफट से पोल में आंसर कीजिएगा। पहला ऑप्शन है टैक्टाइल ग्लोब, टैक्टाइल ग्लोब कैसी होगी जिसको टच करके फील किया जा सके। बुक्स विद स्मॉल प्रिंट, यानी छोटे छोटे प्रिंट्स के साथ किताबें दे दी जाए ऐसे बच्चे को जिसको देखने में पहले ही दिक्कत है, या फिर स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर, जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है उसको रीड करके सॉफ्टवेयर बता दे, ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करें, या ब्रेल बुक्स जिनको टच करके पढ़ा जा सके। कौन सी एक बात ठीक नहीं है ये पूछा है हमसे, ठीक है। डी टू प्लस बी के बैच डी टू प्लस बी के लिए होगा 23 से शुरू, 23rd 8 आवर्स पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ाई करता हूँ, लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं हुआ अब। अच्छा चीटिंग कर गया, अच्छा यार देखो सबकी अपनी लड़ाइयाँ हैं, ऐसा नहीं है कि लोग मेहनत कर रहे हैं तो उनको रिजल्ट भी मिल रहा है, आपको भी सही डायरेक्शन में करनी है। देखिए कौन सा आंसर सही होना चाहिए, आप लोग करें 80% लोग बी, जो कि बिल्कुल सही बात है, बुक्स विद स्मॉल प्रिंट। यदि छोटे अक्षर वाली किताब हम उन बच्चों को देंगे जिनको देखने में पहले ही समस्या है, मतलब अगर मुझे कोई चीज सुनी नहीं जा रही, तो आप यही कहते हैं ना, अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो थोड़ा तेज बोलो, और आप कहें कि थोड़ा तेज बोलो और सामने वाला और धीमा बोले, तो कहां से सुनने में आएगा। अगर सुनने में ही दिक्कत है और धीमा और कर दो आप आवाज को, तो डबल दिक्कत। उसी तरह से अगर देखने में दिक्कत है और फॉन्ट को और छोटा कर दो, तो डबल दिक्कत हो गई। तो ये तो तरीका सूटेबल नहीं है, बेनिफिट नहीं होगा इससे विजुअली चैलेंज बच्चे का। टैक्टाइल ग्लोब होती है जिसको टच किया जा सके, हाँ बच्चे की बाकी सेंसेस एक्टिव हैं तो वो टच फील कर लेगा। स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर भी अच्छा है कि जो भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो उसको पढ़ के सुना दिया जाए अगर वो देख नहीं सकता तो। ब्रेल बुक्स भी टच फील करके ही पढ़ी जाती हैं और विजुअली चैलेंज बच्चों के लिए ही बनाई गई हैं। ब्रेल लिपि को दिया था लुई ब्रेल ने 1800s में। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है अजर्शन, एक स्टेटमेंट दिया हुआ। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आने लगे हैं इस बार, मैं और डिफिकल्टी लेवल बढ़ाती जाऊंगी क्वेश्चंस, कुछ और भी अलग तरह के भी करेंगे धीरे धीरे इंक्लूड। स्टेटमेंट है इन अ लैंग्वेज क्लासरूम टीचर शुड प्रोवाइड ऑडियो बुक्स अलॉन्ग विद टेक्स्ट मटीरियल्स, यानी भाषा की कक्षा में जो टेक्स्ट मटीरियल, जो बुक दी जा रही है पढ़ने के लिए, मान लीजिए स्टोरी बुक है या कुछ और इस तरह का है, उनके साथ साथ ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल होनी चाहिए। ये है पहला स्टेटमेंट। इसका रीजन क्या बताया है कि क्यों होना चाहिए ऐसा, रीजन है मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन केटर टू नीड्स ऑफ डाइवर्स लर्नर्स सच एज दोज विद रीडिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स, यानी मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी कई सारे ऑप्शंस बच्चों को दिए जाने चाहिए ताकि डाइवर्स लर्नर्स, विविधता वाले बच्चे, कोई देख के ज्यादा अच्छा सीखता है, कोई सुन के ज्यादा अच्छा सीखता है, कोई पढ़ के ज्यादा अच्छा सीखता है, तो हर तरह की नीड वाला बच्चा केटर हो जाए, इसलिए मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए क्लासरूम में With related disorder, such as those with reading related disorders. इस तरह के बच्चे भी include हो जाएं जिनको reading related disorder है, तो इसलिए उनको सुन के भी समझा दिया जाए, audio books भी हों, तो कोई बुराई नहीं है, सही बात है, दोनों बातें सही हैं। ये इसका statement भी सही है, इसका ये reason भी सही है, ठीक है। Correct explanation है जो R है वो एक ही, बिल्कुल सही है, दोनों correct हैं। तो A option is the right answer, 79% लोग यही कह रहे हैं। अब देखो ये easy था question, लेकिन फिर भी 21% लोगों ने गलत आंसर दिया है, क्योंकि वो डर जाते हैं जैसे स्टेटमेंट और रीजन वाले क्वेश्चन देखते हैं। और अब आप ये समझ लीजिए कि आज की डेट में इस तरह के क्वेश्चन जो आपके सामने हैं कि आपको चूज करना होगा, दोनों सही हैं, तीन सही हैं, चारों सही हैं, और दूसरा स्टेटमेंट वाले और रीजन वाले क्वेश्चन, इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये टाइम के साथ बढ़ेंगे। नॉट वाले क्वेश्चन ये सब तो बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। अ क्रिएटिव चाइल्ड इज लाइकली टू हैव, क्योंकि टॉपिक तो लिमिटेड है ना पेडागॉजी में, ऐसा तो है नहीं कहीं और से वो टॉपिक बना दें, नई थियरी लिख दें, ठीक। अ क्रिएटिव चाइल्ड, तो क्वेश्चन कोई मुश्किल बनाएंगे वो। A creative child is likely to have, यानी सृजनात्मक बच्चा, एक रचनात्मक बच्चा जो अलग अलग दिशाओं में सोचता है, उसके अंदर क्या होगा, likely to have, क्या होने की संभावना है, कौन सा गुण होगा, divergent thinker होगा,
कन्वर्जेंट थिंकर होगा. देखो क्रिएटिविटी का बिल्कुल संबंध कन्वर्जेंट थिंकिंग से नहीं है. जेपी गिलफर्ड कहते हैं क्रिएटिविटी जुड़ी हुई है डाइवर्जेंट थिंकिंग से और इंटेलिजेंस जुड़ा हुआ है कन्वर्जेंट थिंकिंग से. जैसे चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें से एक सही उत्तर आप देंगे तो इसमें आपने कोई क्रिएटिविटी तो लगाई नहीं है, कोई डाइवर्जेंट थिंकिंग तो लगी नहीं है, इसमें आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग लगी है. आपकी बुद्धि का इस्तेमाल हुआ है कि आप सही उत्तर पहचान रहे हैं, जितनी भी नॉलेज आपको आज तक थी सबको एक साथ लगा करके. तो कन्वर्जेंट थिंकिंग में इंटेलिजेंस, ठीक. एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, अमूर्त चिंतन के लिए आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, अलग अलग दिशाओं में कुछ नया सोचना पड़ेगा. डाइवर्जेंट थिंकिंग भी क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई है. एबिलिटी फॉर जनरेटिंग नोवल प्रोडक्ट्स, कुछ नया है ना. तो तीनों बातें ठीक है, एक सेकेंड को छोड़ दें. अगर फर्स्ट थर्ड और फोर्थ होगा इसका सही उत्तर, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ सी ऑप्शन सही उत्तर है, जो कि 57% लोग दे भी रहे हैं. ठीक, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, ठीक है जी. आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिएगा. एक क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए फटाफट से. क्वेश्चन नंबर सिक्स है असर्शन, अगेन एक स्टेटमेंट है और उसका रीजन है. टीचर शुड एम्प्लॉय मल्टीपल वेज ऑफ असेसमेंट इन देयर क्लासरूम, यानी टीचर को कई प्रकार के विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए, बच्चों का आकलन करने के लिए. ठीक है, रीजन क्या है इसका. चिल्ड्रन सक्सेस एंड फेलियर इन क्लासरूम कैन नॉट बी एक्यूरेटली एंड एडिक्वेटली डिटरमाइंड ओनली बाय अ पेपर पेंसिल टेस्ट. यानी क्योंकि बच्चों की जो सक्सेस है, बच्चों की जो सफलता है, जो उनके सीखने की सफलता है, वो इस बात से निर्धारित नहीं होगी कि सिर्फ पेपर पेंसिल पे टेस्ट ले लो, बल्कि मल्टीपल वेज में असेस करो. कभी उनको ओरली कुछ बोलने के लिए कहो, कभी कोई कुछ और असाइनमेंट दे दो, कुछ प्रोजेक्ट दे दो, डिफरेंट तरीके आप दे सकते हो. ठीक, तो हम कह सकते हैं कि ये बात भी सही लग रही है, ये बात भी सही है, और इसका ये बिल्कुल सही रीजन है. क्यों, देखो ये आपको चेक करना है इस तरह के क्वेश्चंस में कि स्टेटमेंट सही है कि नहीं, पहली बात सही है कि नहीं है, दूसरी बात सही है कि नहीं है, बच्चे के हित में है कि नहीं है, फिर उसके साथ तीसरी चीज ये शेयर करनी, चेक करनी है कि ये जो सेकंड बात है ये फर्स्ट बात का रीजन है कि नहीं है. क्योंकि इसमें दो तीन प्रोबेबिलिटी बन सकती है, एक ये कि दोनों गलत है तो कोई बात ही नहीं है, एक ये कि दोनों सही है बट जो आर है वो रीजन नहीं है ए का, ऐसा भी हो सकता है, एक ये हो सकता है कि दोनों सही है और जो आर है यानी वो करेक्ट रीजन है स्टेटमेंट ए का. ठीक, तो इसलिए ध्यान रखना है दोनों बातें सही है और रीजन भी है, यानी ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर. 64% लोग सही उत्तर दे रहे हैं, है ना. ऐसा नहीं है कि दोनों फॉल्स हो, ऐसा भी नहीं है कि दोनों सही है और रीजन गलत है, एक्सप्लेनेशन सही है. क्वेश्चन नंबर सेवन देखिएगा एक बार. द टीचर टू टीच अ कॉन्सेप्ट अ टीचर इज गिविंग मल्टीपल एग्जाम्पल्स. एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए, मान लीजिए नाउन एक टॉपिक है, नाउन एक कॉन्सेप्ट है जिसको पढ़ाने के लिए टीचर ने मल्टीपल एग्जाम्पल्स दिए कि राम श्याम दिल्ली छोले भटूरे फोन टीवी, ये सब एग्जाम्पल्स दिए, मल्टीपल एग्जाम्पल्स दिए. एंड सब्सिक्वेंटली आस्क स्टूडेंट्स टू फॉर्म अ रूल कंसीडरिंग, यानी बाद में कहा कि एक रूल फॉर्म करो, एक रूल बनाओ इन एग्जाम्पल्स से, इस इंफॉर्मेशन गैदर्ड के बेसिस पे, इन दो ऑन द बेसिस ऑफ दोज एग्जाम्पल्स एक रूल बताओ, इन एग्जाम्पल्स से क्या रूल बन सकता है. तो कौन सी अप्रोच टीचर ने यूज की है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के लिए, दैट मीन्स एग्जाम्पल टू रूल जाने की बात की है. सिंपल बात है बिल्कुल, पहले एग्जाम्पल्स दिए सीता गीता बबीता आगरा, ये सब क्या है, नाउन है. तो पहले एग्जाम्पल्स दिए, उदाहरण दिए, बाद में रूल बताया या बच्चों से रूल पे पहुंचने को कहा कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग. मतलब बी ऑप्शन सही है, इंडक्टिव मेथड है ये, आगमन विधि है, जहाँ पे हम नोन टू अननोन जाते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल स्पेसिफिक होता है. ठीक, यहाँ पे इमिटेटिव या डिडक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि डिडक्टिव में तो पहले ही रूल बता देंगे, बाद में एग्जाम्पल देंगे. कॉम्पिटिटिव जैसा यहाँ कुछ है नहीं, एक दूसरे से कॉम्पीट नहीं कर रहे, नकल नहीं कर रहे. क्वेश्चन नंबर एट देखिएगा एक बार, पढ़िएगा इसको. टू गेन कोऑपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम मैनेजमेंट आ टीचर शुड, यानी आपको बच्चों से क्या चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, सहयोग चाहिए अपनी क्लासरूम को मैनेज करने में. तो एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए. पहला ऑप्शन है एस्टेब्लिश स्ट्रिक्ट एंड रिजिड क्लासरूम रूल्स, यानी कि इतने भयंकर रूल्स सेट कर दो कि बच्चे डर जाएं. तो ये तो तरीका नहीं हुआ, क्योंकि डिसिप्लिन क्या है, जैसा कि हम डिस्कस करते हैं, अंदर से आना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन आना चाहिए, है ना. अगर हम बात करें बी ऑप्शन की, तो फ्रिक्वेंटली कंप्लेन टू पेरेंट्स अबाउट स्टूडेंट्स मिसबिहेवियर, यानी बार बार आपको पेरेंट्स से कंप्लेन करनी है बच्चे के मिसबिहेवियर के बारे में. अब उससे क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे होगा, आप चाह रहे हैं कोऑपरेशन, आप डंडे से नहीं करना चाह रहे हैं
डिसिप्लिन. आप चाह रहे हैं बच्चे खुद से सहयोग करें क्लास के मैनेजमेंट में या क्लासरूम ठीक ठाक रहे, डिसिप्लिन रहे. आगे बढ़ते हैं, रेप्रीमेंड द स्टूडेंट. देखो बच्चों को डांटना फटकारना आपका अधिकार बचा ही नहीं है आज की डेट में, ठीक है. फिर है एस्टेब्लिश नॉर्म्स एंड रूल्स फॉर क्लासरूम इन कोलैबोरेशन विद स्टूडेंट्स. यानी कि आप नॉर्म्स एंड रूल्स एस्टेब्लिश करें क्लासरूम में कोलैबोरेशन के साथ, बच्चों के साथ कोलैबोरेट करके, यानी बच्चों के साथ बैठ करके उनसे ही कहें कि भाई बताओ ये प्रॉब्लम है क्लासरूम में, कई बार शोर ज्यादा हो जाता है या इस तरह से मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, तुम्हें क्या लगता है क्या क्या रूल्स होने चाहिए, आपने अपने सुझाव दिए कि ये रूल्स होने चाहिए, बच्चे बता रहे हैं हाँ ये सही है. तो कोलैबोरेट करके बच्चों को साथ में बिठा करके आपने क्या दिया, डिस्कशन का मौका दिया कि ये तरीके हो सकते हैं जिससे क्लासरूम मैनेजमेंट बना रहे और हम कोऑपरेट करके एक दूसरे के साथ अग्री होकर के इन रूल्स का पालन करें, है ना, क्लियर है बात. तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि आपने बच्चे को भी यहां इन्वॉल्व कर लिया, एक्टिव है वो भी. क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 9 है, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट्स द कॉन्टेक्स्ट या कॉन्टेक्स्ट इन विच लर्निंग टेक्स प्लेस इन चिल्ड्रन. यानी बच्चों में अधिगम कब बेहतर होता है, किस कॉन्टेक्स्ट में बेहतर होगा, किस संदर्भ में बेहतर होगा, जब लर्निंग को जोड़ा जाएगा गेम्स एंड प्ले से, यानी खेल खेल में सिखाएं, सही बात है, घर से जोड़ दिया जाए, हाँ बिल्कुल, फिर क्लासरूम से जोड़ दिया जाए, बिल्कुल. तो लर्निंग बेहतर होगी यदि हम गेम्स एंड खेल खेल में सिखाएं, घर का कॉन्टेक्स्ट लेके सिखाएं, क्लासरूम में जो भी चीजें अवेलेबल है उनसे जोड़ करके सिखाएं, सही है, बच्चे की लर्निंग एक्टिव होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही सही है. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इस तरह के क्वेश्चंस में तो आपको अगर दिख रहा है कि तीनों में से कोई नेगेटिव नहीं है तो तीनों आंसर होंगे, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इजीली. क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव वे टू फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अमॉन्ग स्टूडेंट्स. यानी इनमें से कौन सा एक बेहतर तरीका नहीं है समस्या समाधान को बढ़ावा देने का, बच्चे के अंदर समस्या समाधान डेवलप होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि ऐसा तो नहीं है आप उसके लिए सारी प्रॉब्लम्स जीवन भर सॉल्व करते फिरेंगे, उसको अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करनी है, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बेहतर हो इसके लिए कौन सा एक तरीका सही नहीं है. दैट मीन्स इस क्वेश्चन में आप तीन तरीके सीखेंगे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के होंगे और एक चीज सीखेंगे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए नहीं करनी. तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ज्यादा सिखा के जाते हैं जो नॉट वाले क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इनमें आप तीन चीजें सही सीखेंगे और क्या गलत है वो भी सीखेंगे एक, ठीक. अगर हम बात करें कौन सा एक इफेक्टिव वे नहीं होगा, जो बच्चे के हित में नहीं है वो नहीं होगा इफेक्टिव. फैसिलिटेट डिस्कशन ऑन द टॉपिक्स एंड एनकरेज स्टूडेंट्स फॉर पार्टिसिपेशन. बिल्कुल सही बात है कि बच्चे को आप डिस्कशंस में इन्वॉल्व करें, किसी एक टॉपिक पे, किसी एक समस्या पे, किसी एक मुद्दे पे बात करें, अच्छा पॉल्यूशन है बताओ कैसे कम कर सकते हैं, तो बैठ करके डिस्कशन हो रहा है तो इससे क्या होगा, बेहतर लर्निंग होगी. लेकिन हमें चाहिए नॉट, कौन सा तरीका सही नहीं है. बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग. बी ऑप्शन है, एनकरेज स्टूडेंट्स टू ब्रेनस्टॉर्म एंड जनरेट आइडियाज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक अच्छा तरीका है. कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, इसको दिया था एलेक्स एफ ऑसबर्न ने, बुद्धिशीलता बोल देते हैं या मस्तिष्क उद्वेलन बोलते हैं, कि ग्रुप में बच्चे बैठ करके किसी समस्या पे ग्रुप में सोच रहे हैं, सब अपने अपने आइडियाज दे रहे हैं कि ये कर सकते हैं पॉल्यूशन के लिए, ये कर सकते हैं, सब सारे बच्चे बोल रहे हैं, बाद में छांट लेंगे आइडिया कौन सा अच्छा होगा, बट अभी सब अपने दिमाग में जो भी स्टॉर्मिंग, जो भी बारिश हो रही है आइडियाज की वो बता रहे हैं, ठीक. तो ये हुआ ब्रेनस्टॉर्मिंग, बिल्कुल इसको बढ़ावा देना चाहिए, इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होती है. सी ऑप्शन है, प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ वैरायटी ऑफ लर्निंग मटेरियल्स टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. बिल्कुल सही बात है कि आप अलग अलग लर्निंग मटेरियल दे सकते हैं कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो. आप किसी को कह सकते हैं कि भाई तुम इंटरनेट पर सर्च करो, तुम पांच तरीके खोजो, तुम अपने आसपास वाले लोगों से पूछ के सर्वे करो, सही तरीका है. डी ऑप्शन, यही तो करते हैं ना हम जब प्रॉब्लम में फंसते हैं तो क्या करते हैं, किसी से सलाह लेंगे, जो लोग हमारे ज्यादा हमें लगता है हितैषी हैं, ज्यादा समझदार हमें लगते हैं उनसे हम बात करते हैं, या दूसरे का पर्सपेक्टिव लेते हैं कई बार कि अच्छा चलो देख लेते हैं सामने वाले को क्या लगता है. तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का वन ऑफ द वेज है. तीनों बातें सही हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, फिर गलत कौन होगा, लास्ट ही होगा, लेकिन फिर भी पढ़ के समझ तो लें कि क्यों है ये सही. एम्फसाइज वन यूज ऑफ प्री डिटर्मिंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर एवरी प्रॉब्लम. यानी कि आपको हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ जाए दुनिया में आपका तरीका एक ही है, स्टेप बाय स्टेप, है ना. सिर्फ आपने सेम चार तरीके बनाए हुए हैं कि पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, भाई हर प्रॉब्लम में कैसे ये फिट हो जाएगा, है ना. ये तो ऐसी सी बात हो गई, आपने एक स्मॉल साइज की टी शर्ट ली हुई है, चाहे कोई मीडियम साइज का बंदा मिले आप उसको वही फंसाने की कोशिश करते हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल मिले वही फंसाने की कोशिश करते हैं, हो सकता है कुछ को आ भी जाए, थोड़ा बहुत टाइट आ जाए, किसी को लूज आ जाए, बट एक टाइम पे जाके वो सबको फिट नहीं हो सकती. दैट मीन्स ये तरीका नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व करने का. तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर, जो कि सही तरीका नहीं है प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाने का बच्चे को. बाकी तीनों तरीके सही हैं. तीनों तरीके क्या सीखे हमने, ब्रेनस्टॉर्म करा सकते हैं हम उनको,
डिस्कशन करा सकते हैं टॉपिक पे सबको बिठा करके, वैरायटी ऑफ वेज या लर्निंग मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं। तो ये तीन तरीके हुए प्रॉब्लम सॉल्व कराने के या सिखाने के, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 11, विच ऑफ दीज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी रचनावादी, कंस्ट्रक्शन का मतलब ही है एक्टिविटी। दिमाग में बिठा लीजिए कि बच्चा एक्टिव होगा, है ना, वो एक्टिविटी करके सीखेगा, तभी तो कंस्ट्रक्ट करेगा ना नॉलेज को। कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन लोग हैं? पियाजे, वाइगोस्की, ब्रूनर। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी या विशेषता क्या होगी, फटाफट से बताइएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। आंसर कीजिए। रात के बजे हैं 10 और आप लोग कुछ 4385 लोग जुड़ चुके हैं और लाइक सिर्फ 2300 लोगों ने किया है। कहाँ हैं 2000 लोग जो सिर्फ सेशन देख के जाते हैं। देखिए एक बार, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की विशेषता, भाई बच्चा एक्टिव होगा सबसे बड़ी विशेषता ये है, फिर चारों पढ़ते हैं। लर्नर्स आर पैसिव, तो ये तो अपने आप ही हट गया भाई। कंस्ट्रक्टिविस्ट या कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, पैसिव कैसे हो सकता है बच्चा। मैक्सिमम एम्फेसिस इज गिवन ऑन रोट मेमोराइजेशन, रटने पे तो हम कंस्ट्रक्शन में देते ही नहीं है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। आस्किंग ऑफ क्वेश्चंस बाय चिल्ड्रन इज नॉट एनकरेज्ड इन द क्लासरूम, यानी बच्चों को क्वेश्चन पूछना ही अलाउड नहीं है, तो फिर कहाँ से सीखेंगे वो, ये भी गलत हो गया, बच्चा एक्टिव नहीं है। सिर्फ डी ऑप्शन में बच्चा एक्टिव है। द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ऑफ चिल्ड्रन आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू नॉलेज इन द क्लासरूम, यानी बच्चों के पुराने अनुभवों का इस्तेमाल किया जाए नए अनुभवों से या नए ज्ञान की रचना के लिए, कि जो उनको पहले से आता है उनका इस्तेमाल करें हम, पूर्व ज्ञान का, प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल करें नई नॉलेज को बिल्ड करने में। बिल्कुल सही बात है, उससे क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होगी नॉलेज की। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ ऑफ अ टीचर इज डेट्रीमेंटल टू स्टूडेंट्स लर्निंग, यानी टीचर का कौन सा एक बिलीफ रुकावट बनेगा बच्चे की सीखने में, बच्चे के अधिगम में, बच्चे की लर्निंग में। यानी मान लीजिए टीचर्स के भी तो कुछ कुछ बिलीफ्स होंगे ना जो वो मान के चल रहे होंगे, तो उनका कौन सा एक मान के चलना बच्चे की लर्निंग में रुकावट पैदा होगा, है ना। देखिए एक बार, पहला ऑप्शन है एरर्स आर अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये बात बिल्कुल सही है कि जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां हैं, वो सीखने का ही हिस्सा है। सीखने में इंसान गलतियां करता है, कोई भी दुनिया में ऐसा तो नहीं जिसने सीखा हो और गलती ना की हो, ठीक। फिर है मेकिंग एरर्स इज अ शेमफुल एक्ट फॉर द लर्नर्स, ऐसा नहीं हो सकता कि गलती करना क्या है, शर्मिंदगी की बात है। अगर बच्चों के लिए गलती करना शर्मिंदगी की बात होनी चाहिए, यानी गलती करते समय उसको शर्म आ जानी चाहिए, गलती करने के बाद इतना शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए, अगर टीचर ऐसा मानता है तो फिर लर्निंग ठीक से नहीं होगी। बी ऑप्शन क्या है, सही उत्तर मिल गया हमें। डेट्रीमेंटल, समझ रहे हो, डेट्रीमेंटल का मतलब है रुकावट है या नेगेटिव है। एरर्स प्रोवाइड इंसाइट इन टू द गैप्स इन द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर, यानी जो गलतियां हैं वो बच्चे की जो भी संप्रत्यय है, जो भी संकल्पनात्मक नॉलेज है उसकी, जो भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हमें इंसाइट देती है। बिल्कुल सही बात है कि वो सोचता कैसे है। फिर है लर्नर्स मस्ट बी गिवन द स्पेस टू मेक एरर्स विदाउट फियर ऑफ बीइंग रेप्रीमेंडेड, यानी बच्चों को गलती करने का मौका दिया जाना चाहिए, उनको ये बात का डर नहीं होना चाहिए कि अगर गलती कर दी तो टीचर मार मार के भूत बना देंगे, ये डर नहीं होना चाहिए। तो लर्निंग कब बेहतर होगी, जब खुल करके वो सीख पाएंगे, गलतियां कर पाएंगे। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि अगर शेमफुल है गलती करना दैट मींस ये रुकावट बनेगा अगर टीचर ऐसा सोचता है कि शेमफुल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन समझते हैं, बाहरी अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, जो जिसका रीजन बाहर हो, यानी आपकी मोटिवेशन का रीजन बाहर है दुनिया में, ठीक है बात। पहला ऑप्शन है व्हाइल डूइंग रिसर्च अरमान कंसल्ट्स वेरियस सोर्सेज टू बी श्योर अबाउट हिज लर्निंग्स, यानी कि रिसर्च करते समय अरमान ने पाया कि जो वेरियस सोर्सेज थे उसकी, वाइल डूइंग रिसर्च अरमान कंसल्ट्स वेरियस सोर्सेज टू बी श्योर अबाउट हिज लर्निंग्स, मतलब जो उसने सीखा एक रिसर्च के दौरान, मान लीजिए बच्चा है एक अरमान, वो रिसर्च कर रहा था और उसने पाया कि मैंने जो रिसर्च में पाया है, जो मेरी लर्निंग्स हैं, उनको वेरीफाई करने के लिए मल्टीपल सोर्सेस का इस्तेमाल किया, कि यहाँ पे भी देखा, इस बुक में भी देखा, इस बुक में भी देखा, ये सोर्स से भी सुना, इस व्यक्ति से भी सुना, उस साइंटिस्ट से भी सुना, मतलब वेरीफाई हो गया जो मैंने सीखा वो सही है। चलो ये बात तो ठीक है, ये तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, वो तो जानना चाहता है कि उसने सीखा तो क्या सीखा और सही है कि गलत है, इसका रीजन बाहर कहाँ है। यहाँ कुछ उसको ऐसा थोड़ी लिखा है कि इस रिसर्च से उसको बहुत करोड़ों रुपये मिल जाएंगे, रीजन बाहर है ही नहीं, ये तो इंट्रेंसिक मोटिवेशन है, आंतरिक अभिप्रेरणा है, लोकस ऑफ कंट्रोल, सेंटर ऑफ मोटिवेशन इंटरनल है, व्यक्ति स्वयं है।
बी ऑप्शन है रायन रिसर्चेस फ्रॉम मेनी सोर्सेज फॉर अ प्रोजेक्ट टू गेट अ कैश प्राइज. ये पकड़ में आ गए क्योंकि ये एक्सटर्नल है, ये बाहरी अभिप्रेरणा है, इसका रीजन बाहर है. वो इसलिए मैनी रिसोर्सेज से या मल्टीपल जगह से रिसर्च कर रहा है रायन या जो ये बच्चा है, क्योंकि उसको नगद इनाम मिलेगा, कैश प्राइज मिलेगा. रीजन बाहर मिल गया मोटिवेशन का, मोटिवेटेड इसलिए क्योंकि कैश मिलेगा. सी ऑप्शन है टू एंश्योर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सितारा टेक्स रेगुलर फीडबैक फ्रॉम हर सीनियर्स. यानी रेगुलर सेटिस्फेक्शन के लिए सितारा जो है अपने सीनियर्स से फीडबैक लेती है. ये तो अच्छी बात है भाई, मैंने कुछ किया और मैं किसी को कहा कि अच्छा बताना आज का सेशन कैसा लगा, कमेंट्स में बताना, कोई फीडबैक हो तो देखे जाना. तो इसमें क्या नेगेटिव है, इसमें रीजन बाहर थोड़ी है, ये तो मेरा खुद का शौक है कि मैं खुद को कैसे बेहतर बनाऊं, लर्निंग और कैसे बेहतर हो. ठीक है, फिर है डी ऑप्शन फॉर पर्सनल इंटरेस्ट एंड टू इम्प्रूव हिज कैपेबिलिटीज कुलमीत प्रैक्टिसेस द टास्क रेगुलरली. यानी पर्सनल इंटरेस्ट है कुलमीत का, अपना खुद का स्वयं का इंटरेस्ट है अपनी एबिलिटीज को, अपनी कैपेबिलिटीज को सुधारने का, इसलिए वो मेहनत करता है. बिल्कुल सही बात है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, आंतरिक है. यहाँ पे भी सिर्फ एक ही ऑप्शन में बाहरी है, वो है बी ऑप्शन के पैसे के लिए पढ़ाई कर रहे हैं रायन साहब. अभी सही गलत तो हम नहीं कहेंगे, बट ये ऐसा है कि किसी को जॉब इसलिए चाहिए टीचिंग की जॉब क्योंकि इसको पढ़ाने में रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं है बट सैलरी में इंटरेस्ट है, तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गई. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14. ड्यूरिंग द कोविड 19 पेंडेमिक ये कौन सा सेंटेंस बनाया है. ड्यूरिंग द कोविड 19 पेंडेमिक हैज नेगेटिवली अफेक्टेड द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज हाईलाइटेड इन दिस स्टेटमेंट. यानी कि कोविड 19 पेंडेमिक के दौरान नेगेटिवली अफेक्ट हुई है बच्चों की परफॉर्मेंस, मतलब नकारात्मक रूप से कोविड 19 की वजह से ऋणात्मक रूप से, यानी बच्चे जो हैं वो नेगेटिवली, मतलब जितना वो अच्छा परफॉर्म कर सकते थे वो नहीं कर पाए, नेगेटिव में परफॉर्म कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनको डर है, भय है, आसपास लोगों को बीमार होते हुए देखा है, ये नहीं पता कोविड का. आप खुद के बारे में सोचिए, जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे कि भाई ये खत्म कब होगा, लॉकडाउन है तो केसेस इतने बढ़ रहे हैं, आसपास आप डेथ्स देख रहे हैं, बीमारी देख रहे हैं, कई हो सकता है कई लोगों को खुद को भी हुआ हो, तो कहां से मोटिवेशन आएगा, है ना. तो उस चीज ने, कोविड 19 ने, जो कि एक डिजीज है, नेगेटिवली प्रभावित किया बच्चे की परफॉर्मेंस को. दैट मींस उसका दिमाग जितना अच्छा कर सकता था वो नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ डर. डर क्या है? इमोशन. ठीक, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज हाईलाइटेड इन दिस स्टेटमेंट. कॉम्पिटिशन एंड कॉग्निशन, कॉम्पिटिशन की तो बात ही नहीं हो रही, कॉग्निशन एंड इमोशन इज द राइट आंसर. ये चैप्टर हमने डिस्कस किया हुआ है, सीटेट के सिलेबस में भी है, संज्ञान और संवेग, कि हमारा दिमाग की परफॉर्मेंस जितनी बेहतर हो सकती है, हमारे संज्ञान यानी हमारा इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि, हमारी मानसिक क्षमताएं हमारे इमोशंस से जुड़ी हुई हैं. यानी अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे तो कई बार हो सकता है कि आप जितना अच्छा कर सकते थे पेपर में उतना अच्छा ना कर पाए. तो उस डिजीज के डर की वजह से बच्चों की परफॉर्मेंस डाउन हुई है. दैट मीन्स उनका संज्ञान, उनकी परफॉर्मेंस की एबिलिटी अफेक्ट हुई है उनके इमोशंस से. ठीक, तो ये हो गई सिंपल बात, हेरिडिटी एंड परफॉर्मेंस एनवायरमेंट ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ है बी ऑप्शन. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. कॉग्निशन हम सब समझते हैं, हमारी मेंटल एबिलिटी, सोचने समझने सीखने तर्क करने की क्षमता. क्वेश्चन नंबर 15 है, लर्निंग इज मोर मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव व्हेन इट इज मेजरली व्हाट. यानी अधिगम तब ज्यादा अर्थपूर्ण होगा और ज्यादा प्रभावी होगा, ज्यादा बेहतर होगा, कब? जब टीचर डायरेक्टेड होगा, यानी टीचर के अनुसार चलें बच्चे. पीयर्स यानी जो सहपाठी हैं आपके, दोस्त यार हैं, उनके अनुसार जब आप सीखेंगे. या फिर टेक्स्ट बुक सेंट्रिक होगा, यानी सिर्फ किताब के हिसाब से आप सीखेंगे जो सिलेबस गिवन है. या सेल्फ डायरेक्टेड होगा. सेल्फ डायरेक्टेड मतलब आप खुद के इंटरेस्ट के मुताबिक, खुद के पेस पे, खुद के स्पीड से सीख रहे हैं, खुद के इंटरेस्ट के अनुसार. तो सेल्फ डायरेक्टेड जो है वो बेस्ट होगा. ठीक, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. 64% लोग सही उत्तर दे भी रहे हैं. कुछ 5 क्वेश्चन और हैं. क्वेश्चन नंबर 16 देखिए एक बार. द सोशल एक्सपेक्टेशंस एट ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज रेफर्ड टू. यानी जो सामाजिक आकांक्षाएं होती हैं हर एक चरण को लेकर के, उनको क्या कहते हैं? चरण किसका? विकास के हर चरण को लेकर समाज की कुछ एक्सपेक्टेशन होती है ना. अरे 12 साल के हो गए, इतना काम तो खुद कर लिया करो, अपना बैग तो खुद लगा लिया करो अब, है ना. ये क्या है? ये सामाजिक एक्सपेक्टेशन है हर एक स्टेज को लेके डेवलपमेंट की. अरे 5 साल के हो गए, पानी तो खुद लेके पी लिया करो. ये क्या है? हर एक स्टेज के लिए एक्सपेक्टेशन है. इसको हम डेवलपमेंटल टास्क कहेंगे, नीड कहेंगे, हैजार्ड कहेंगे या डोमेन्स कहेंगे. डोमेन्स होते हैं डेवलपमेंट के प्रकार, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल. ये 4 मेजर प्रकार हैं. तो यहाँ पे सोशल एक्सपेक्टेशन का तो कोई रिलेशन नहीं हुआ. डेवलपमेंटल हैजार्ड्स यानी विकासात्मक बाधाएं, बाधाएं वो होती है, मान लो बच्चा गिर जाए, चोट लग जाए, कोई बीमारी हो गई, ये हैजार्ड्स हैं, वो भी नहीं है. ये तो एक्सपेक्टेशन है. डेवलपमेंटल नीड्स क्या होंगी?
कि भाई हो सकता है इस एज में ये नीड हो, इस तरह का कुछ हो सकता है, वैसे हम इस तरह का कभी कुछ पढ़ते तो है नहीं, ठीक है। फिर क्या होगा, आंसर होगा इसका डेवलपमेंटल टास्क, सिंपल। नीड क्या हुआ कि इस एज में बच्चों को ये चाहिए, इस तरह का पोषण चाहिए, ये हो, जहाँ पे ऐसी तो कोई बात है नहीं। तो सोशल एक्सपेक्टेशन एट ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज रेफर्ड एज डेवलपमेंटल टास्क, यानी कि विकासात्मक कार्य, कि इस स्टेज पे ये टास्क बच्चे को कर लेना चाहिए, ये सोशली तो है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी नहीं है, आप लोगों को गलतफहमी हो रही है, ये विकासात्मक आवश्यकता नहीं है, डेवलपमेंटल टास्क का कॉन्सेप्ट है जिसको दिया था हेविंगहर्स्ट ने, हेविंगहर्स्ट ने, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जो 19 साल के होकर भी पानी ना ले रहे हों खुद से, है ना। तो ये एक्सपेक्टेशन का कॉन्सेप्ट, विकासात्मक कार्य, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये प्रॉपर ऑफिशियल आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, डेवलपमेंट डैश व्हाट, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी इन एन आउटवर्ड डायरेक्शन, यानी सेंटर से बाहर की ओर। याद आ रहा है कल एक क्वेश्चन किया था इस पर, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप का क्या मतलब है, सर से, पैर से सर जाएगा, उल्टा हो गया है, तो टॉप टू बॉटम जाता है, हेड टू टो जाता है, जिसको सेफेलोकॉडल कहते हैं, बट ये तो गड़बड़ है, ठीक। फिर देखिए आगे बढ़िए, यूनी डायमेंशनल होता है, देखो यूनी का मतलब हो गया सिंगल डायरेक्शन, सिंगल नहीं मल्टी डायमेंशनल होगा, तो ये गड़बड़ हो गई, ठीक। एक आयामी नहीं है, बहुआयामी है, एक आयामी नहीं है, बहुआयामी है, कई आयाम में होता है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल एफर्ट्स, ऐसा नहीं है कि वातावरण से प्रभावित नहीं होता, अगर आप अच्छा खाना दे रहे हैं, अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो बिल्कुल डेवलपमेंट प्रभावित होगा, क्यों नहीं होगा एनवायरमेंट से, ठीक। तो बी ऑप्शन इज दी रॉन्ग आंसर, ए है एकमात्र सही, सेंटर टू ऑफ द बॉडी टू आउटवर्ड, यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत की बात हो रही है, प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, अजर्शन यानी स्टेटमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोग्रेसेस क्वाइट रैपिडली टिल मिडल चाइल्डहुड एंड देन कम्स टू अ स्टॉप, यानी कि जो संज्ञानात्मक विकास है, जो आपके संज्ञान का, आपके सोचने समझने सीखने, ज्ञान एकत्रित करने की जो क्षमता का विकास है, वो सिर्फ मिडल चाइल्डहुड तक होता है, यानी 7 से 9 वर्ष या 8 से 11 वर्ष के बीच में होगा कहीं, ऐसा तो नहीं है यार, आपका जो दिमाग है वो प्रॉपर पूरी तरह से डेवलप कहीं 25 साल के आसपास जाकर के होता है, और अगर मतलब वैसे देखें चाइल्ड डेवलपमेंट के अनुसार तो कुछ 15 साल, जो प्याजे की थ्योरी वो भी कह रही है कि 15-16 साल तक तो मैक्सिमम डेवलपमेंट तक आप पहुंचेंगे, अलग अलग थ्योरीज अलग अलग बात कहेंगी, बट ऐसा कोई नहीं कहेगा कि मिडिल चाइल्डहुड में पीक तक पहुंच गया और फिर रुक जाएगा दिमाग का विकास, ये बात बिल्कुल गलत है। रीजन क्या दिया इन्होंने इसका, ह्यूमन बींग्स कैन नॉट लर्न न्यू थिंग्स आफ्टर द स्टेज ऑफ मिडिल चाइल्डहुड, कि नई चीजें सीख ही नहीं सकते मिडिल चाइल्डहुड के बाद, हमेशा सीख सकते हैं, दोनों ही बातें बिल्कुल सिरे से गलत हैं, दोनों ही ट्रू तो है ही नहीं, बोथ आर फॉल्स, है ना, सॉरी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, नहीं 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 नहीं, ए भी सही नहीं है और आर भी सही नहीं है, दोनों ही गलत है, डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर, 47% लोग उत्तर सही दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन एनेक्ट सीन्स फ्रॉम अ पॉपुलर डांस रियलिटी शो इन देयर प्ले, यानी कि एक ग्रुप है बच्चों का जो एनेक्ट करता है, एनेक्ट का मतलब है खुद से प्ले करेगा, है ना, खुद से करके दिखाएगा, पॉपुलर डांस रियलिटी शो है कोई जो चल रहा है आजकल, मान लीजिए एक शार्क टैंक करके बहुत फेमस हो रहा था बीच में, मैंने तो थोड़ा बहुत ही 5-7 मिनट का देखा है कहीं, ठीक। तो मान लीजिए उसको वो बच्चे रेप्लिकेट करके या खुद से एक्ट करके दिखा रहे हैं कि उसमें ये कैरेक्टर्स थे, तो बच्चे वो करके दिखा रहे हैं, जो भी फेमस रियलिटी शो है, कोई डांस का शो है, वो कौन से बहुत सारे आते थे ना पहले, तो आजा नच लिया और पता नहीं क्या क्या, ठीक। तो बहुत सारे डांस शोज हैं, उनमें से किसी एक डांस शो को बच्चे करके दिखा रहे हैं स्कूल में। एज अ जज 8 years old सना गिव्स कॉमेंट्स, यानी एक 8 साल की बच्ची है और ये एक जज के रूप में कॉमेंट दे रही है कि कैसे बाकी बच्चों के डांस परफॉर्मेंस कैसे हैं। दिस सिचुएशन हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ डैश इन द सोशलाइजेशन प्रोसेस, यानी ये जो सिचुएशन है वो कौन से एक महत्वपूर्ण रोल को दर्शाती है समाजीकरण की प्रक्रिया में, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के, सॉरी फैमिली, मीडिया या स्कूल, भाई मीडिया, देखो सिंपल सिंपल लिखा है ना, पॉपुलर रियलिटी शो, रियलिटी शो कहाँ आता है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में, जी नहीं, फैमिली में नहीं, है ना, किसी का घर ही बिग बॉस हो तो बात अलग है, ठीक। फिर स्कूल में नहीं, रियलिटी शो आता है मीडिया में, चाहे वो टीवी हो, इंटरनेट हो, व्हाटएवर इट इज। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, के
मीडिया की इंपॉर्टेंस है बच्चे के समाजीकरण में, कि समाज में क्या चल रहा है, कैसे वो रूल्स सीखेगा, नॉर्म्स सीखेगा। लास्ट क्वेश्चन, एक बार लास्ट देख लीजिए, आज के लिए लास्ट है ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 20th कहता है, अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे, प्याजे के बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जीन प्याजे के अनुसार, जो जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है जिसमें चार स्टेजेस बताई हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, SPCF, ठीक, इन विच स्टेज, किस स्टेज में चिल्ड्रन गेन द एबिलिटी टू सीरिएट ऑब्जेक्ट। सीरिएट समझते हैं, सीरिएशन में लगाना, क्रम में लगाना की योग्यता जो है वो बच्चे की किस स्टेज में आएगी, प्रॉपर क्रम में लगाने की, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही अवरोही क्रम आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, ठीक, कि भाई 1 to 10 लगा पाओ, 10 to 1 लगा पाओ। अब ये जो सीरिएशन की प्रॉपर एबिलिटी है हर तरह से, वो कब आएगी, तो हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, आंसर है इसका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष। और ये मैंने आपको बहुत बार बताया है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में 3 एबिलिटीज आती हैं, CCS भी मैंने बताया है कितनी बार। CCS क्या है, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन, ये 3 गुण 7 से 11 वर्ष में मूर्त संप्रत्यात्मक अवस्था में आते हैं।